राजस्थान असेंबली इलेक्शन कवरेज में हम अभी आ गए हैं। जयपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे चोमू कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चोमू कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस गांव में हम आए हैं। यहाँ पे लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे वो वोट देने जा रहे हैं इस बार? ये गांव है डार्क जोन में है और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर गांव हर घर में एक सिंगल फेज चलता है जिसमें जानवर और मनुष्य भी ठीक से पानी नहीं पी सकते हैं। सरकार का हमारे गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है पानी की तरफ से। 5 साल से बराबर समस्या चलती आ रही है। दूसरा मुद्दा सबसे अहम है कि हमारा यहाँ जो किसान है वो बर्बादी के कगार पे है। चाहे कांग्रेस आई चाहे बीजेपी आई, किसी ने किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। किसान मर रहा है या जी रहा है भाई, किसान भी क्या करे बेचारा, कहाँ तक जाए, कहाँ तक व्यवस्था करे अपनी, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की परवरिश करे कि इस पानी के पीछे लगे। ये काम सरकार का है, सरकार को देखना चाहिए। सरकार आई पूर्ण बहुमत से आई, विपक्ष भी कमजोर रहा आपकी बार, लेकिन उस पूर्ण बहुमत के साथ आई, जिस विश्वास से लोगों ने वोट दिया, जिस विश्वास से लोगों ने विश्वास जताया, उस विश्वास का गला घोटा है। दूसरी बात, यहाँ का जो मजदूर है वो मजदूर, उसके पास कोई मजदूरी नहीं है, बजरी आ नहीं रही है। जो बाहर के मजदूर हैं, जो चौकटी पे मजदूर हैं, सुबह का शाम ही नहीं है, उनके बच्चे बिलबिलाट करते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता है। 1 साल से बजरी बंद जब है तब से मजदूरों की हालत तो ये हो रही है कि सुबह का शाम नहीं है, शाम का सुबह नहीं है। हर मजदूर की ये हालत है, मजदूर परेशान है अपनी रोजी रोटी के लिए। रही बात ये कि मोदी जी बैठे हैं ऊपर, मोदी जी की कार्यशैली लोग बढ़िया बताते हैं, पब्लिक इतमें नहीं है, लेकिन पब्लिक की आज ये दशा है। मजदूर बजरी के लिए आज रो रहा है, घर बैठा है। मजदूर की हालत क्या है वो तो वो मजदूर ही जाने, महल में रहने वाला कभी नहीं जान सकता ये चीजें। मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, दुनिया को सब्ज बाग दिखाए, 15,000 लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख यहाँ का, आज कितने को रोजगार दिया? अब जा करके भर्ती खोलती है लेकिन भर्तियां भी बंद करती हैं। एक बेरोजगार युवक सुबह से शाम तक भटकता है, जाता है, गाड़ियों में बैठता है, परेशान होता है, मरता है, कई तो मर जाते हैं बेचारे, कितना उनका खर्चा होता है, लेकिन फिर एंटे में क्या निरस्त की जाती है, परीक्षाएं निरस्त किए जाते हैं। ये तो इस सरकारों का हाल है, किस सरकार को रहे हैं, किसके पास जाए भाई। बेरोजगार काफी संख्या में बच्चे हैं, आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा पूरा चाहिए उनको, लेकिन किसान आम आदमी जो बेरोजगार है, उन्होंने जैसे प्रॉपर्टी का काम चलता था, मैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, प्रॉपर्टी का काम चलता था, गहलोत राज में बहुत चला, गहलोत जी ने बढ़िया शासन भी किया है, पर वसुंधरा राज जी ने कुछ भी शासन नहीं किया। वो 4.5 साल तक महलों में बैठी रही और अपने जो भी जो बजरी के ऊपर से दलाल पैदा कर दिए, बजरी को ख़त्म कर दिया, मजदूर ख़त्म हो गया, आज तराई तराई हो रही है। अभी तक तो कोई उम्मीद लगी नहीं, 4.5 साल हो गए, अब पूरे चुनाव आने वाले हैं दोबारा, वो बेरोजगारी की समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। मेन चीज़ वही है, वो जरूरी है, मैं सोल्यूशन होना उसका। मोदी जी ने यंगों को बर्बाद कर दिया, पूरी जवानों को लाइन में लगा दिया, भर्तियाँ खोल दी, परीक्षा के लिए जा ट्रेनें फुल हैं, बसें फुल हैं, माँ बाप की जेब से पैसा जा रहा है, सरकार का खजाना भर रहा है पैसे से, उनसे हजारों की तादाद में लाखों की तादाद, 1,000 भर्ती निकालते हैं, कई लाखों जाते हैं, उनके फार्म जमा होते हैं, पैसा जमा हो रहा खजाने। जब सरकार में ये लोग आ जाते हैं उसके बाद यूथ को भूल जाते हैं। यूथ की आज जो परेशानियां हैं, आज जो लोग लाइन में लग रहे हैं, आप देखिए जितनी इंटरव्यूज होते हैं वहां लाइन पे लग रहे हैं, आज 4 साल से यूथ लाइन में ही लगा हुआ है, जब से रिलायंस आया था तब से लाइन में, उसके बाद में और लाइन आ गई, उसके बाद में और लाइन आ गई, आज जहां पर देखिए यूथ ही यूथ आपको मिलेगा, और रोडों पर घूमता हुआ मिलेगा, पेपर लेके घूमता मिलेगा आपको, कहां भी जा रहा है रोज उसके पैसे लग रहे हैं, कहीं इंटरव्यूज नहीं है, कहीं नौकरीज नहीं है, सिर्फ बहाने बनाते हैं, सिर्फ ओनली वादे करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते इलेक्शन के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में। ये 5 साल जो निकले हैं ना बीजेपी के सरकार के, उसमें वो संतुष्ट नहीं है किसी भी एंगल से, जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे भी पूरे नहीं किए उन्होंने। 15 लाख की कोई बात नहीं है, नौकरियों को भी पूरा वादा, पूरे वादे नहीं किए, जितनी नौकरी देनी थी इन 5 सालों में, और भी कई चीज़ें, नोटबंदी जैसे कि वो भी उनका सक्सेस नहीं हुआ, वो भी फैल हो गई उसके अंदर, और जो पैसे ले लेकर ये जो बग गए विदेशों में जाकर बैठ गए हैं,
तो उनका भी कोई प्रावधान तो है, लग नहीं रहा मेरे को तो कि वो वापिस आएंगे। मोदी जी इससे पहले कहते थे कि इसके अंदर ये कानून है या वो कानून है, उस कानून से हम वापस ला सकते हैं उनको, तो वो कानून अब कहाँ गए? वो कानून अब बदल गए क्या इन 5 सालों में? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको भाई, एक मजदूर और एक किसान देश के लिए और अपने बच्चों के लिए काम करता है, एक सरकारी कर्मचारी भी देश के लिए और अपने बच्चों के लिए काम करता है। सरकारी कर्मचारी 60 या 62 या 58 पे रिटायर हो जाता है, उसकी यदि 50,000 तनख्वाह है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं, 80,000 है तो उसको 40,000 रुपये मिलते हैं, जैसे 35,000 मिलते हैं। एक किसान भी वजन ढोता ढोता, एक मजदूर भी वजन ढोता ढोता, वो अगर 70 साल का भी हो गया तो वो या तो सड़ो या मरो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों? काम तो उसने भी देश के लिए किया और अपने बच्चों के लिए किया, और उस मजदूर किसान ने भी देश के लिए और बच्चों के लिए किया ना, तो उसका भी कुछ इंतजाम तो होना चाहिए ना। मैं ना तो मुनासिब सुन रहे, वो हिंदू वो मुसलमान, वो हिंदू वो मुसलमान, हम मंदिर बना के रहेंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब वो कब बना के रहेगा? तो जनता को क्या चाहिए, मंदिर चाहिए? जनता को जनता देखो, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए। हर गांव हमारे गांव में 50 मंदिर है, हम अवैध नहीं पूछेंगे, हमारे को रोजगार चाहिए। हम कोई मंदिर में जाएंगे, वहाँ मजदूरी कर तो मुश्किल है, वहाँ मंदिर में जाएंगे, पेट पर वो तो आपको परेशानी हो रही है। एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान, हम मंदिर बनाएंगे, हम वो है, ये थोड़ी है मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दे इसका चुनाव मुद्दा खत्म हो जाए। जो सरकार मौजूदा है उसके वादों में तो कोई विश्वास करेगा नहीं, ये चाहे कितना ही वादे करे। अब किसानों का कर्ज माफ करे, चाहे फ्री बिजली दे, चाहे फ्री शिक्षा दे, चाहे फ्री कॉलेज खोले, कुछ भी करे, चाहे फ्री हमें पानी ला कर नदियों से जोड़ दे, लेकिन एक बार जो विश्वास उठता था, कहते हैं हमारे मारवाड़ी में काट की आंडी एक बार चढ़ती, तो हमारे यहाँ काट की आंडी तो चढ़ा ली हमने, अब दोबारा बार बार हम काट की आंडी नहीं चढ़ने देंगे। भाई कोई कमाने की जरूरत नहीं, 15-15 लाख रुपये आ गया हमारे खाते में, वो तो शेप पड़े, और जो पशुओं के लिए चारा आता है ना राजस्थान में बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम 5,000 लगते हैं जब बाद मंडी में पहुँचता है, ये तो पशु के लिए आता है। हर आदमी को छूट दे रखी है फुल्ली, जितना मर्जी लूटो हमारे को दो, अब बोलो क्या करें इसमें। आप करते क्या है? हम तो मजदूरी करते हैं। बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहा जा रहा था कि किसानों के सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, कर्ज माफी हुई? अच्छा, कर्ज 15-15 लाख रुपए खाते में आ गए ना, वही नहीं निमड़ेंगे हमारे से। 15-15 लाख रुपए मोदी ने भेज दिया, और वो जिसके पास कोई था ना 200-400 रुपया, वो भी आप ले गया। कोई सरकार आए, खाली वोट चाहिए, सीट चाहिए, और किसी से कोई मतलब नहीं है।